आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। रेत कारोबार के पैसे मांगने गए व्यक्ति को बंदूक दिखाकर जान से मारने की दी धमकी। सोलापुर हत्तूर बस्ती परिसर में आनंदराव विलासराव पाटिल नामी व्यक्ति अपने रेत कारोबार के पैसे मांगने के लिए सुरेश काड़गांवकर नामी व्यक्ति के पास आए, जहाँ रेत कारोबार के पैसे मांगते ही इन दोनों में विवाद शुरू हो गया। तभी सुरेखा काड़गांवकर और अप्पाशा उमादी नामी व्यक्ति जात पार पर गाली गलौज कर बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दे दी। फिरियादी आनंदराव ने इन तीनों के खिलाफ अनुसूचित जाति जमाती एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। इस मामले की अगली जांच सहायक पुलिस आयुक्त माधव रेड्डी कर रहे हैं। स्नेह निमंत्रण आजादी बचाओ न्यूज नेटवर्क के वर्धापन दिन के अवसर पर आप सभी दर्शकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें गीत, कव्वाली, गजल और मुशायरे की महफिल रखी गई है। आने वाले रविवार 18 सितंबर 2022 की शाम 6 बजे हुतात्मा स्मृति मंदिर, पार्क चौक, सोलापुर, एक शाम आजादी बचाओ के नाम।